90.4 FM रेडियो खांची प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज की कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे महान क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। आजादी के मतवाले राही की आज की श्रृंखला में चर्चा करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। जी हाँ, इन्होंने 1882 में आनंदमठ नाम का एक बहुत ही चर्चित उपन्यास लिखा था जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय मुसलमानों और सन्यासी ब्राह्मण सेना का वर्णन किया था और इसी में उन्होंने संस्कृत में यह गीत लिखा था वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। और उसने उस लड़ाई की दिशा बदल कर रख दी थी और आज पूरे भारत में से राष्ट्र गीत के रूप में सम्मान दिया जाता है। काटलपाड़ा गांव में एक समृद्ध बंगाली परिवार में जो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, वहीं 27 जून 1838 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। शिक्षा के प्रति इनका आकर्षण और खासतौर पर अंग्रेजी भाषा के प्रति इनका जो आकर्षण था वह इनका तब समाप्त हो गया जब एक अंग्रेज प्राध्यापक ने इन्हें बुरी तरह डांटा था। इसके बाद इन्होंने तय किया कि अब जो है मातृभाषा और संस्कृत, इन्हीं दो भाषाओं में मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। 1856 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, कानून की डिग्री ली, ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट का नौकरी इन्होंने ग्रहण किया। एक सुगढ़ पाठक और लेखक के रूप में ये अपने आप को हमेशा किताबों के साथ जोड़ कर रखते थे। 1857 में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारतीयों पर जो दमन चक्र चला अंग्रेजों का, उसको देखकर इनका मन विचलित हो गया और उस वक्त प्रशासन भी बदल गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हक में था भारत, अब वह सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों आ गया। ये अपने मन की बातों को अपने कलम से लिखने के लिए जाने जाते रहे। इन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जागृत करने का संकल्प लिया और धारदार कविता, उपन्यास और कहानियों को लिखकर इन्होंने ना सिर्फ लोगों के बीच उन तमाम सामाजिक समस्याओं को आगे बढ़ाया बल्कि स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ रहे थे उनके मन में ऊर्जा भाव भरा। उन्होंने जो अपना पहला उपन्यास लिखा था वह था रायमोहन वाइफ, जो अंग्रेजी में था। वर्ष 1865 में उन्होंने अपनी पहली बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित किया। उस वक्त महज 27 वर्ष की उम्र थी और आज भी दुर्गेश नंदिनी एक कालजयी साहित्यिक धरोहर है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने कलम को रुकने नहीं दिया। आजादी के मतवाले राही में आप सुन रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। उन्होंने अपने कलम की धार को तेज करते हुए कपाल कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, राज सिंह, देवी चौधरानी जैसी रचनाएं की। उन्होंने सीताराम, कमाल कांतेर, दप्त, कृष्ण कांतेरविल, विज्ञान रहस्य, लोक रहस्य, धर्म तत्व जैसे ग्रंथ लिख दिए और मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन भी किया। और इनके इस गुणों के कारण रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे प्रख्यात लेखक इन्हें अपना गुरु मानते थे। आज इनके उपन्यासों को पूरे विश्व में कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। आज भी इनके लेखनी को पढ़कर उस वक्त के अंग्रेजों के दमन चक्र को हम आप याद कर सकते हैं। इन्होंने जो लेखनी से राष्ट्रवाद जगाया, कहते हैं कि कलम में जो ताकत होती है वह तलवार में भी नहीं होती। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना देह त्यागा और पूरे भारत में हर जन के मन में एक शोक की लहर उत्पन्न हो गई थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आज भी यह हर भारतीयों के मन में देश के प्रति जो सम्मान का भाव दर्शाता है, रेडियो खांची करता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को सलाम। डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे। हमारा नंबर है 9472786904। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।